Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahjahanpur, Agra. Now in last class we start a new chapter as polynomials. So what is polynomials? Right, the power of the variable will be a whole number. Right, तो power क्या रहना चाहिए variable का whole number रहना चाहिए तब उसे हम polynomials कहते हैं. तो depend upon terms as well as degree. We classified the polynomials, right? Now today we start as practice set 3.1. तो इससे पहले जो भी क्लास में मैंने पढ़ाया है वो आप केयरफुली देखना है आपको, तो तभी आप प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व कर सकते हैं. स्टे वेदर द गिवन तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट वेदर द गिवन अल्जेब्रिक स्टेट वेदर द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस are polynomials. तो फर्स्ट polynomials रहना बोले तो जो वेरिएबल रहते हैं उसका पावर क्या रहना चाहिए, होल नंबर में रहना चाहिए. राइट, तो होल नंबर मीन्स द नंबर्स आर स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4. राइट, तो होल नंबर में रहने के बाद उसे ही हम polynomials कहेंगे. सपोज द पावर ऑफ x इज 1/2 देन द गिवन टर्म is not a polynomials, right? So see here, state whether the given algebraic expression is are polynomials justify. So justify बोले तो आपको लिखना है वहां the power of variable will be whole number बोल के. Right? So first is y plus 1/y. Right? तो इसे हम ऐसे लिखेंगे y plus y raised to minus 1. So see here, in these two condition, the variable power is negative. Right? So whole number nahi hai. So it is, likho, it is not a polynomial because the power of the variable is negative. तो negative power रहने के बाद वो क्या रहता है, polynomial नहीं रहता है. Next, third question देखो. Second question root में भी polynomial नहीं रहता है, तो second भी एक बार देखो आपको समझ में आता है. 2 - 5 √x है समझो. Right? तो इसे हम 2 - 5 × x, तो root x को हम 1/x^2 लिख सकते हैं. राइट, द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर देन इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, तो x² + 7x + 9 देयरफॉर, तो सी है द पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव, तो यहां 1 रहता है, कोई नंबर नहीं रहता, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल. तो इसी तरह से आप नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए. तो नेक्स्ट वी गो टू सेकेंड क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1. तो पॉलिनोमियल रहना चाहिए बोले तो हमें द पावर ऑफ वेरिएबल विल बी पॉजिटिव और 0 रहे तो भी चलेगा, तो होल नंबर रहना चाहिए. तो सेकेंड क्वेश्चन, राइट
write the coefficient of x mq in each of the given polynomials. So see here, first is mq, right? Therefore, the coefficient of mq is, तो यहां कोई नंबर नहीं रहा तो क्या रहता है, वन रहता है. एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय वन, वी गेट द सेम नंबर, राइट. सो सी हियर, द कोएफिशिएंट ऑफ एन क्यू इज वन. अगेन सेकेंड में देखो रूट थ्री आता है, राइट. द कोएफिशिएंट ऑफ, तो सेकेंड का देखो एक बार, द कोएफिशिएंट ऑफ माइनस थ्री बाय टू प्लस एम माइनस रूट थ्री एम क्यूब. तो हमें एम क्यूब का ही फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन में देखो आप केयरफुली, देयरफॉर लिखो आप द कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब इज, तो एम क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस रूट थ्री, राइट. तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन. तो देखो तो स्टेटमेंट में दिए सो हमें पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक में हमें लिखना है. मोनोमियल विथ डिग्री सेवन, मोनोमियल, तो मोनो मीन्स वन टर्म, विथ डिग्री सेवन, तो मोनोमियल मीन्स ओनली वन टर्म रहना चाहिए. तो एक्स रेस टू सेवन, आप वाई रेस टू सेवन भी लिखे तो भी करेक्ट होगा, तो आप जेड रेस टू सेवन भी लिखे तो आपका आंसर करेक्ट होगा, राइट. तो मोनोमियल ही रहना चाहिए. तो थर्ड देखो, सेकेंड आप करो ट्राइनोमियल विथ डिग्री एट. तो ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म्स रहना चाहिए और उसका डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या रहना चाहिए, एट रहना चाहिए. तो लिखो एक्स रेस टू एट प्लस फाइव इंटू एक्स रेस टू थ्री प्लस सेवन. आप यहां एट लिख के यहां सिक्स फाइव थ्री टू वन भी लिख सकते हैं, राइट. तो उन्हें हमें थ्री टर्म, ट्राइनोमियल है इसलिए वन टू थ्री एंड डिग्री इज एट. तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप लिखिए, राइट. तो नेक्स्ट वी गो टू फोर्थ क्वेश्चन. तो सी है, व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो डिग्री कैसे लिखते हैं आप, राइट. जो वेरिएबल रहता है उसका हाईएस्ट पावर उसके सिर के ऊपर
जो भी हाईएस्ट नंबर रहता है उसे हम पावर कहते हैं, राइट। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, रूट फाइव है, तो रूट फाइव है सर, तो इसका वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल में लिखता हूं रूट फाइव एक्स रेस टू जीरो एंड द वैल्यू ऑफ एक्स रेस टू जीरो इज इक्वल टू वन, राइट। एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय वन वी गेट अगेन वन, राइट। तो लिखो आप, राइट, द राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, द डिग्री इज द डिग्री ऑफ रूट फाइव इज एक्स रेस टू जीरो टू जीरो। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, रूट टू एम रेस टू टेन माइनस सेवन, देयरफॉर द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज, तो देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है, टेन है, तो यहां टेन लिखो, तो नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, तो सिक्स्थ क्वेश्चन में सेवन्थ क्वेश्चन में एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई ऐसे दिए, तो देखो सेवन क्वेश्चन एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड, तो डिग्री ऑफ, तो देखो इसकी वन है, इसकी भी वन है, इसकी भी वन है, ये तीनों को ऐड करके थ्री लिखो, देयरफॉर डिग्री इज थ्री लिखो, राइट। एक्स रेस टू वन, वाई रेस टू वन, जेड रेस टू वन, इन तीनों को प्लस करके हमें लिखना है। तो नेक्स्ट बायनोमियल का एक दिया हुआ है, देखो एट क्वेश्चन में, तो देखो क्वेश्चन क्या है, एम रेस टू थ्री एन रेस टू सेवन माइनस थ्री इंटू एम रेस टू फाइव एन रेस एन प्लस एम एन, राइट। तो टू वेरिएबल देने के बाद उसके जो पावर रहते हैं उसे ऐड करके हमें उसका डिग्री निकालना है, राइट। तो सी है, तो इसका क्या होता है, टेन होता है, और इसका फाइव प्लस वन इज सिक्स होता है, एम प्लस वन इज टू होता है, तो हाईएस्ट डिग्री इज टेन, राइट। तो डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज टेन, तो यहां लिखो, देयरफॉर द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज टेन, राइट। तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम लिखना है, राइट। सो नेक्स्ट वी गो टू फिफ्थ क्वेश्चन, तो सी है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तो लीनियर क्वाड्रेटिक एज वेल एज क्यूबिक, तो हम किसके ऊपर इसे वैसे लिखते हैं, लीनियर मीन्स ओनली वन टर्म्स एंड द डिग्री इज वन, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज वन, देन इट इज लीनियर, टू रहा तो क्वाड्रेटिक, थ्री रहा तो क्यूबिक, राइट। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तो आप करो आप, राइट, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो जितने भी प्रॉब्लम है आप सॉल्व करो स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने बताया है आपको कोएफिशिएंट फॉर्म, राइट, राइट द पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वन टू थ्री दिए हुए, देखो वो लिखो आप,
राइट। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप ही सॉल्व करो, जितने भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है वो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप ही सॉल्व करो, सभी इजी है, आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बिट इज ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स। तो ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिविजन करना है हमें, राइट। तो सी है, द मेथड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स इज सिमिलर टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। तो सी है, एड 3x square minus 7x plus 5 and 7x square plus 12x minus 9, right? The given two polynomial or algebraic expression, तो उसे हमें add करना है, right? तो सी है हाउ टू एड, तो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, तो ब्रैकेट यूज करो आप, 7x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9, तो लिखो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। अब यहां देखो ब्रैकेट से अंदर x प्लस को मल्टीप्लाई करना है, प्लस इंटू प्लस इज प्लस 7x स्क्वायर प्लस इंटू प्लस इज प्लस 12x प्लस इंटू माइनस माइनस 9। अब जो जो पावर के सेम है उसे वन साइड लिखो, 3x 7x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, तो यहां 12x है तो 12x माइनस 7x प्लस 5 माइनस 9। तो देखो जो जो पावर और इसके पावर दोनों के सेम है वन साइड लिखो, इन दोनों के पावर सेम है वन साइड लिखो एडिशन में। अब जिसके साइन वैसे ही है, देखो आप साइन भी चेक किए हो, तो 7 प्लस 3 इज 10x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x इज 5x, और x को कॉमन लेके आप 12 माइनस 7 करें तो भी 5x ही आता है, राइट। माइनस 5 माइनस 9, तो 5 में से 9 नहीं जाएगा, तो इसलिए माइनस 9 में 5 निकालो तो माइनस 4 आता है, 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज द आंसर। तो ऐसे आपको एडिशन करना है। तो नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस सेवन फ्रॉम 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, राइट। तो सी हियर, 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7 फ्रॉम, तो किससे माइनस करना हमें, 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। तो लिखो यहां 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 माइनस, सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस लिखना है, तो इसे फर्स्ट लिखो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। तो यहां देखो 2x का भी प्लस है, यहां प्लस 2x और 3x का प्लस है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है माइनस 7। तो सब्ट्रैक्शन करते टाइम यहां जब भी माइनस रहता है केयरफुली करना है आपको, 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 माइनस इंटू प्लस इज माइनस 3x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस इज माइनस 2x
माइनस इंटू माइनस प्लस 7। अब सेम टर्म को वन साइड लिखो, 5x² माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2x लिखो, प्लस 4x माइनस 2x प्लस 7 माइनस 3। अब देखो 5 माइनस 3 तो इस इन दोनों में कॉमन x² है, प्लस 4 माइनस 2 इन दोनों में कॉमन x है, 7 माइनस 3 इज 4, तो 5 माइनस 3 इज 2x² प्लस 4 माइनस 2 इज 2x प्लस 4। इस तरह से आपको सब्ट्रैक्शन करने को आना चाहिए, राइट, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। मल्टीप्लाई 3x इंटू 6x² इज इक्वल टू हाउ मच। तो देखो 3x इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, डायरेक्ट करो, 6 3 18x इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। तो आपने एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है, एक्स रेस टू वन इंटू एक्स ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एम इज इक्वल टू एक्स रेस टू ए रेस टू एम प्लस एन। तो मैं लिख देता हूं आपको फॉर्मूला, राइट, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। तो इसी बेसिस आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट, तो एड दिस 8x³, 2x प्लस 1 इज x³। तो इस तरह से आपको करना है, x into x square is x cube, तो 18x cube is the answer। तो next और एक problem करेंगे multiply का, multiply 2m² minus 7, 2m² minus 7 into 3m³ माइनस 5m प्लस 2। अब देखो मल्टीप्लाई करना है हमें, तो सी है, तो लिखो फर्स्ट 2m² माइनस 7 इंटू 3m³ माइनस 5m प्लस 2। तो फर्स्ट 2m से इन सभी को करो, 2m² ब्रैकेट 3m³ माइनस 5m प्लस 2, तो रिमेंस क्या है, माइनस 7 है, तो माइनस 7 से और इस ब्रैकेट को करो, 3m³ माइनस 5m प्लस 2, राइट। अब देखो 2 इंटू 3, तो ये दोनों प्लस है, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 2 3 जस 6, m रेस टू 2 इंटू m रेस टू 3 है, तो हम m रेस टू 5 लिखेंगे, m रेस टू 5, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 5 जा 10, m² इंटू m इज m³, तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 2 2 जा 4 m², राइट। तो 2 से 2 m² से मैंने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट 7 से, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 7 3 जा 21 m³, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 5 जा 35 m, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 4 2 7 जा 14, राइट, ये 2 है देखो। अब 5 m²
तो लिखो 6m^5 -10m³, तो ये भी -21m³। उसके बाद 4m² +35m -14। तो लाइक टर्म मैंने वन साइड किया है, ये दोनों का पावर जो वेरिएबल है उसका पावर सेम है, इसलिए वन साइड लिखा है मैंने 6m^5। दोनों माइनस है तो हमें माइनस साइन लिखे प्लस करना है। 10 + 21 = 31m³ +4m² +35m -14। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट। 6m^5 -31m³ +4m² +35m -14। तो नेक्स्ट हम डिवाइड करेंगे, राइट। तो डिवाइड देखो कैसे करते हैं, एक बार केयरफुली देखो आप। 2x² प्लस 4x माइनस 3 बाय x प्लस 1। तो x प्लस 1 से हमें 2x² प्लस 4x माइनस 3 को हमें डिवाइड करना है। तो लिखो 2x² प्लस 4x माइनस 3। तो यहां x है, यहां 2x² है, तो यहां x है, तो हम इसे 2x से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां लिखता हूं आंसर को, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 2 = 2, x इंटू एक्स इज x² तो करो आप। तो इसे और इसे ही देखना है, 2x × x = 2x² प्लस 1 × 2x = 2x, राइट। तो इसके साइन चेंज करो, 2x² माइनस 2x² इज 0, 4x माइनस 2x इज 2x, तो ये माइनस 3। अब यहां x है, यहां 2x है, तो यहां लिखो प्लस, तो प्लस है इसलिए प्लस, यहां 2 लिखो, 2 × x = 2x प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 1 × 2 = 2, राइट। माइनस माइनस माइनस, दोनों माइनस है तो आंसर इज -5। तो आपको समझ में आया क्या, नहीं देखो एक बार और एक बार। तो फर्स्ट x है, तो फर्स्ट टर्म हमें 2x लेना है, राइट। तो और एक बार मैं बताता हूं आपको, राइट। तो 2x² लेना है हमें, तो x को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 2x² मिलता है, तो 2x है, x इंटू एक्स इज x² 2 × 1 = 2, तो 2x² होने के बाद 1 से इस 2x को मल्टीप्लाई करो, तो 2x, 1 × 2x = 2x, तो इन दोनों का साइन चेंज कर रहा है हमें, राइट। तो ये दोनों नंबर सेम हो गए, तो साइन चेंज करो, तो ये 0 होता है, 4 - 2 = 2, एक्स माइनस एक्स एक्स, राइट। तो -3 वैसा ही लिखो। नेक्स्ट देखो, x है, यहां भी x है, 2 नहीं है तो ये प्लस 2 है, तो प्लस 2 मैंने किया है। अब इससे मल्टीप्लाई करो, x × 2 = 2x प्लस 1 × 2 = 2, तो साइन चेंज करो, तो ये 0 होता है, -(-), दोनों माइनस है तो ऐड करना है हमें, 3 + 2 = 5, तो -5। इस तरह से आपको डिवीजन करना है। तो और एक प्रॉब्लम देखो, 2x² प्लस 2 / x + 2 डिवाइड करना है। x प्लस 2 से हमें 2x² प्लस 2 को डिवाइड करना है, राइट। यहां 2x² है, यहां x है, तो 2x लो, 2x × x = 2x² प्लस 2 × 2x, तो क्या होता है, 4x होता है, राइट। तो इसे साइड चेंज करो, तो ये 0 होता है, ये -4x होता है, और ये प्लस 2 वैसा ही रहता है, राइट। अब यहां -4x है, तो यहां -4 लो, 2x × 4 = -4x प्लस 2 × माइनस है,
प्लस इंटू माइनस इज माइनस, टू फोर जा एट, राइट। तो साइन चेंज करो तो ये जीरो होता है, एट प्लस टू इज टेन, राइट। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है। रिमेनिंग पार्ट विल बी कंटिन्यूइंग नेक्स्ट क्लास। ओके, डू होमवर्क। थैंक यू।